दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने मेरा थंबनेल देखा और थंबनेल में पता चला कि आपको मुफ्त बिजली, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का थंबनेल जैसे कि देखा। और इसमें है क्या, QRTM एक ऐप है, उसके माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। अगर आप दुकानदार हैं तो सर्वे का वीडियो जरूर देखें, जो कि मैं इसमें लाइव जोड़ूंगा। अगर आप निवासी हैं तो आपके लिए वीडियो जरूरी है। इसमें हो क्या रहा है कि जैसे कि आप सभी ने देखा, आज अमरोहा जिले के लिए मुरादाबाद मंडल के साथ साथ दो तीन मंडल थे, जिसमें खेत पर नलकूप के लिए सूर्य सोलर ऊर्जा का सिस्टम मिल रहा था। उसी प्रकार से भारत सरकार की इस योजना के तहत आप घर की छत पर भी सोलर सिस्टम प्राप्त कर सकते हैं और उससे अपने घर की बिजली को, बिजली के बिल से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें वही लोग शामिल होंगे जिसके नाम से बिजली का कनेक्शन होगा और वही लोग इसका आवेदन कर पाएंगे। इसके आवेदन के साथ साथ इसमें लगभग 40% की सब्सिडी दी जाएगी, बाकी जो खर्चा आपको देना होगा, और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सोलर सिस्टम लगा करके और बिजली मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपका बिजली बिल नहीं जाएगा और इससे आपकी सोलर की ऊर्जा द्वारा आपको मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। तो इसका सर्वे कैसे करेंगे, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, कैसे सर्वे करना है, तो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो आप मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले आपको यह ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है QRTPM। जैसे आप लिखेंगे तो पहले नंबर पर यह ऐप खुल करके आपके सामने आ जाएगा और नीचे लिखा है CSE गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। तो जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करने के बाद देखिए मेरा पेज लॉगिन है, इसके लिए डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। आपको क्या करना है, CSE ID डालनी है और आपको CSE में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। अगर इससे भी आपका लॉगिन नहीं होता है तो आपको CSE में वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपने सर्वप्रथम सबसे पहले CSE लेते समय या रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर दिया था, क्योंकि मैंने भी CSE में मोबाइल नंबर चेंज कर लिया। आप जो सर्विस है मैं यूज करता हूँ उसमें दूसरा मोबाइल नंबर है, और जब मैंने CSE ली थी तब मेरा मोबाइल नंबर दूसरा था। तो मेरा ये सर्वे जो है, ये ऐप है, मेरा उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन हो रहा है। तो आपको स्टार्ट सर्वे पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट सर्वे पर क्लिक करने के बाद आपको आवेदक का यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देना, और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, क्या उपभोक्ता PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में रुचि रखता है, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। तो यह एंट्री उसके नाम से भरनी है जो इसमें इंटरेस्टेड हो। मान लीजिए कि घर में चार सदस्य हैं और पापा के नाम से बिजली कनेक्शन है, तो जो उसमें इंटरेस्टेड हो उसके नाम से यहाँ पर आपको डिटेल फिल कर देनी है, क्योंकि इस मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन होगा। अगर उन्होंने मना कर दिया तो आपका जो पैसा है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्वे इनकम्प्लीट माना जाएगा। फिर आपको नीचे आना और यहाँ पर लिखना है, क्या सौर ऊर्जा स्थापित के लिए कंक्रीट छत या अन्य जगह है। मतलब अगर उसका कच्चा भी मकान है और कच्चे मकान के साथ उसके पास उसका मतलब उसके पास स्थान इतना है कि वो सोलर पंप वहां पर लगा सकता है, तो यहाँ पर वो आपको यस कर देना है। क्योंकि अगर कच्चा मकान है और उसके पास सोलर पंप लगाने या सोलर सिस्टम लगाने के लिए जगह नहीं है, अगर आप यहाँ नो कर देते हैं तो हो सकता है कि सर्वे आगे बढ़ेगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर सर्वे आगे को बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ से आपको यस कर देना। उसके बाद लिखा है अपॉइंटमेंट स्वामित्व किराए पर है, ये पूछ रहा है क्या जहां पर सोलर लगेगा या जहां पर रहता है वो उसका किराए पर है या उसका खुद से स्वामित्व है, मतलब ओनर है। तो यहाँ पर आपको ओनर दिखा देना है, क्योंकि घर का मालिक वही है। और क्या कह रहा है, छत की स्वामित्व मतलब छत जो है उसकी अकेले की है या साझे की है। तो यहाँ पर साझे की है तो शेयर में आएगा, अगर उसकी अकेले की है तो ओनर पर क्लिक हो जाएगा। उसके बाद कंज्यूमर नेम, जिसके नाम से बिजली कनेक्शन है वह नाम यहाँ पर आपको दे देना है। तो यहाँ पर कंज्यूमर नेम आ जाएगा जिसके नाम से बिजली कनेक्शन है। उसके बाद आगे चलते हैं, किस राज्य का है जहाँ के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आपको यहाँ पर वह राज्य सिलेक्ट कर लेना है। राज्य सिलेक्ट करने के बाद आपको जिला यहाँ पर आ जाएगा, देखिए लोड अभी नहीं हुआ है तो जिला अमरोहा ऑटोमेटिक आ गया, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर विद्युत विवरण, तो मैंने आपको बताया ये उसी के नाम से भरा जाएगा जिसके नाम से बिजली कनेक्शन है। तो यहाँ पर विद्युत उसका क्या है, पश्चिमांचल है, मध्यांचल है, दक्षिमांचल है, या जो भी है आपको भर देना है। तो मेरे यहाँ पर लगता है पश्चिमांचल में इसे भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कंज्यूमर नंबर मतलब जिससे बिजली का बिल जमा होता है वह नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद कह रहा है अपने बिजली बिल की फोटो अपलोड करें, या तो उसने कोई बिजली बिल जमा करा हो उसकी फोटो अपलोड कर सकते हैं पिछले 6 महीने के अंदर की, या फिर उसके पास जो रिसिप्ट निकाल के देख के जाता है मीटर रीडर, उसकी भी अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। चाहो तो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हो, ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। उसके बाद
सौर स्थापित के लिए उपलब्ध अनुमानित क्षेत्र कितना है, मतलब उसके पास कितनी जगह है जहां पर वो सोलर सिस्टम अपना लगाना चाहता है। तो यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में वह डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है फोटो, हिंदी में पढ़ते हैं, कंक्रीट की छत अन्य क्षेत्र का फोटो जहां पर सोलर पैनल स्थापित किया हो, या तो उसकी छत का फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर उसके पास कच्चा मकान है तो आप इस तरीके से फोटो खींचे कि उसका कच्चा मकान और जगह दोनों आ जाएं, तो यहां पर उसका फोटो खींच करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर कैप्चा आ गया और आई एग्री पर क्लिक करते हैं, तो आई एग्री एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा, मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रदान किया गया उपभोक्ता नंबर विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सटीक है। यदि कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो इसका असर मेरे भुगतान पर पड़ेगा। तो जो वीएलई है, जो इस सर्वे को करने के लिए जो वीएलई को पैसा मिलेगा, वो फिर पैसा यहाँ पर नहीं मिलेगा और वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट करता है। फिर उसके बाद सबमिट कर देना है तो आपका सर्वे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कल एक सर्वे करने वाला हूँ और उसमें देखता हूँ कि क्या क्या मुझे मिलने वाला, क्योंकि मैं मेरी मीटिंग थी अमरोहा में, वहां से मुझे जानकारी मिली और उन्होंने बताया कि इस तरीके से सर्वे करना है। आपने देखा कि हमने आप सभी को सर्वे करके बताया, तो इसमें अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।